स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आए हैं वो मतलब बीइंग्स पे है कि हमें उसमें सुपरविजन में हम बीम में क्या क्या देखना चाहिए। दूसरा हो गया कि हमारा जो मतलब बीबीएस रहता है, बार बेंडिंग शेड्यूल बीम का, वो भी मैं आखिर में बताऊंगा ड्राइंग देख के थोड़ा बहुत ऊपर से, क्योंकि उस पर एक नेक्स्ट वीडियो पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ आएगी। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा कि बीम में हमें सुपरविजन में हमें क्या क्या देखना चाहिए। जैसे हमारा ये हो गया, बीम आ गया हमारा 130x450 का बीम है। तो फर्स्ट चीज जो आपको देखनी है कि वाइंडिंग वायर कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, मेन ये हो गया कि जीआई का हो रहा है कि एमआई का। ठीक है, दूसरा हो गया हुक्स, मतलब जो हुक है जो स्टैंडर्ड वे से बना रहे हैं, क्योंकि 8D हमारा तो हमारी मिनिमम कितनी हुक होनी चाहिए, यहाँ 80mm। ठीक है, ये हो गया। तीसरा की जो स्टील है, मैं इसकी बाद में एक ड्रॉइंग भी दिखा दूंगा। और आ गया हमारा जो लैप लेंथ है हमारी, इसकी हमारी एलडी है हमारा 750mm, तो ये प्रॉपर होना चाहिए, ये देख लेना है। दूसरा आ गया कि कवर कौन सा यूज हो रहा है पीवीसी का, तो यहाँ हमारा पीवीसी का 50mm का कवर दोनों तरफ यूज होगा, और बॉटम में मतलब मिनिमम 3 कवर हमको यूज करने चाहिए, और इसका 2 मीटर में हमारा कवर आना ही चाहिए। ठीक है, एक बार मैं विजिट करवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमारी इंसर्ट प्लेट की इंस्टॉलेशन हो रही है, क्योंकि साइड बीम के साइड पे एक इंसर्ट प्लेट आ रही है। ठीक है, और जैसे अभी देखो, जैसे मैंने बताया कि हमारी हुक कितनी मिनिमम 80D होनी चाहिए, और यहाँ हुक मैंने ऐसे क्यों दी है, मतलब बेंट पूरी बेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा 130 का बार है, और यहाँ पे हमारी हुक प्रॉपर बेंड है, क्योंकि हमारा 2 बार आ रहे हैं 12mm के, तो ईजिली आ सकते हैं। ठीक है, तो हम मतलब हुक प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि हमारा जो ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन होता है और नीचे हमारा टेंशन जोन होता है, और जब बीम फेलियर होगा तो कंप्रेशन जोन में अच्छे से हुक पकड़ के रखेगा स्टील को। ये मतलब बीएसटी रहता है दूसरे बीम का, लेकिन इसमें जैसे हुक दिया है कि बेंट है पूरा, ये आगे हमारा बीम। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस ला रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा भी हमारे स्टील के बाइंडिंग या कटिंग के लिए कितनी लेबर चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, कितना स्टील होगा तो कितनी लेबर चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे एक मैश आ रही है तो प्लेटफॉर्म की, तो उसमें कौन सा स्टील यूज हुआ हमारा 10 और 8mm का। तो अभी आ गया हमारा इसका स्पेसिंग का, मतलब बीम में हमारी स्पेसिंग किसी हिसाब से होनी चाहिए, जो हमारे एक तो अगर आपको नहीं दी है तो स्टैंडर्ड वे से आपकी होती है L/4 के हिसाब से, आपको 100 पे स्टीरअप डालनी है 100 स्पेसिंग पे, और बाकी डालनी है 150 पे। तो यहाँ मेरा हमारा है 2D के हिसाब से, मतलब ट्वाइस ऑफ डेप्थ, जितनी डेप्थ होगी बीम की उसी हिसाब से, तो यहाँ 450 है, तो 900 पे हमारी 100 स्पेसिंग आएगी, बाकी 150 की स्पेसिंग हमारी इसमें आएगी। ठीक है, अभी इसके बाद मैं ड्राइंग में आपको दिखा दूंगा, और ऊपर से इसका थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी मैं इसका बीबीएस भी दिखा दूंगा कि हमें कैसे इसका बार बेंडिंग शेड्यूल इस बीम का आएगा। ठीक है, वो भी दिखा दूंगा। और अभी सुपरविजन में हमारा क्या क्या होना चाहिए, जैसे शटरिंग का आ जाएगा तो शटरिंग ऑयल पहले प्रॉपर वे से लगा होना चाहिए, रिइंफोर्समेंट डालने से पहले वो डाया वाया हमारा प्रॉपर होना चाहिए। और ये जो हमारा बीम है ये थ्रू आउट 18 मीटर लंबा बीम है, तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि हम जो बार बेंडिंग शेड्यूल इसका बनाएंगे तो उसकी लैप लेंथ कितनी, मतलब कैसे देंगे उसमें लैप, कैसे देंगे हमारा सरिया, कैसे उसका एलडी किस हिसाब से आएगा, वो मैं आपको ड्राइंग देख के एक बार बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सामने देख रहे हो हमारी इंसर्ट प्लेट्स भी हैं, इसमें इंसर्ट प्लेट में मैंने एक वीडियो बनाई भी है, और बार बेंडिंग शेड्यूल पे भी मेरी एक वीडियो पहले से भी है, वो आप देख सकते हो, लेकिन एक इस नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेटेड बीम की मैं बीवीएस लाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये जो बीम मैंने अभी आपको साइड पे दिखाया उसकी प्लान है। ठीक है, तो ये हमारा 18 मीटर लॉन्ग एक
बीम था जो मैंने अभी साइड पे आपको दिखाया। ठीक है, इसकी मैं सेक्शन दिखा देता हूँ आपको। अभी यहाँ दिया हुआ जैसे PB1 हमारा कितने का है, 230 बाय 450 का। ठीक है, तो इसमें हमारा स्ट्रेट बार कितने, हमारा स्ट्रेट बार है 16 डाया का 3 नग। ठीक है, स्ट्रेट बार जो हमारा, और जो हमारा एंकर बार है बॉटम वाला वो कितने, 16 डाया का 3 नग। तो यहाँ मेरी सेक्शन काटी हुई है जैसे मैंने आपको बताया, हमारा 2D रहता है रिंग्स के लिए। ठीक है, तो वो हमारा कितना आएगा 100 के सेंटर पे जैसे हमें दिया हुआ है। बाकियों में अगर नहीं दिया हो तो वो कितना रहता है, L/4 के हिसाब से आपको सिरप डिस्ट्रीब्यूट करनी रहती है। ठीक है, तो अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ हम कैसे करते हैं इसका PBS। यहाँ PB हमारा 450 बाई 230 का ये होगा, 16 डाया का सरिया मैंने जैसे दिखाया, और LD इसमें कितने दिए 750। बॉटम बार है जो हमारा, उसकी मैं BVS एक बता देता हूँ, ये उसमें थोड़ा मैं बता दूंगा लेकिन बाकी आपको अच्छे से मैं अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। 18 मीटर था हमारा, तो LD हम किसी हिसाब से लेंगे वो मैं बता देता हूँ। हमारा 300 का पड़ दी है, ठीक है, 300 का पड़ दी है, तो हमारा LD कैसे आएगा, 250 मतलब 300 है तो कवर माइनस हो जाएगा, और 750 का है तो 250, और तो पीछे बचा कितना 400, तो हमारा कैसे आएगा 400 का डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगी, उसकी डेवलपमेंट लेंथ आ गई। तो अभी हमारा 12 मीटर का लॉन्ग स्टील है, मतलब ये मैं बताऊंगा आपको जैसे हम साइड पे यूज़ करते हैं। तो 12 मीटर का हमारा लॉन्ग स्टील है, तो कैसे करेंगे, 12 मीटर माइनस मतलब 400 हमारा LD में आ गया। ठीक है, और कितना बचा, कितना हमारा पहले बैंड, हमारा बैंड माइनस हो जाएगा उसमें से, बैंड हो गया तो हमारा बचा कितना आया, कितना 12 मीटर माइनस 400 माइनस 32, ये आ गया हमारा जो अभी बचा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे क्या, नेक्स्ट क्या करना है आपको, मतलब जो 18 मीटर होगा ना, तो 18 मीटर हमारी लैप भी आएगा बीच में, तो उसमें लैप ऐड कर लेना है कि लैप हमारा कितना है। ठीक है, तो लैप आ गया हमारा 750 का, तो 18 मीटर प्लस 750 कर लेंगे हम, ठीक है, ये हो गया। अभी हम टोटल आ गया हमारे पास कि कितना है हमारा टोटल आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें से हमारा जो पहले हमने ले लिया वो माइनस कर लेंगे, माइनस कितना है हमारा 11 मीटर 568, तो कितना है हमारा 7 मीटर 182 बचा। ये आ गया मतलब साइड के हिसाब से आपको अगर स्क्रैप बचाना है तो आप, हम साइड पे ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आपको मतलब देखा जाए तो आपको लैब L/4 के हिसाब से देना होता है स्लैब में या बीम में, तो वो करेंगे तो मतलब कितना है हमारा 18 मीटर लॉन्ग स्पैन है, तो उस डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 मीटर 500। तो मतलब आपको क्या करना है, अगर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट उसके हिसाब से करना है तो आपको L/4 के हिसाब से लैब देना पड़ेगा बॉटम के लिए, और टॉप के लिए L/3 के हिसाब से, तो इसमें दोनों साइड L/4/2 बीच में अब आपका लैप आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकल साइड पे जैसे मैंने पहले बताया हमें वैसे ही करते हैं स्क्रैप बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स।